Good morning, students. I am Anantha Gupta from Bhatia College of Agriculture Engineering, Durga. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structures of VTech Agriculture Third Year First Semester. हम लास्ट क्लास में लिंक लिस्ट की बात कर रहे थे. हमने लिंक लिस्ट का इंट्रो देखा था कि लिंक लिस्ट होता क्या है, लिंक लिस्ट कैसे वर्क करता है. हमने उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, तीन टाइप्स के लिंक लिस्ट होते हैं आपके, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट. हम बोल रहे थे सिंगल लिंक लिस्ट, जैसे कि हम वन वे चेन बोल रहे थे, जिसमें क्या हो रहा था आपका. वन वे चेन बोलने का मतलब आपका ये था कि उसमें सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेटा इंसर्ट हो सकता है या डेटा इंडिकेट हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में डेटा इंडिकेट नहीं हो सकता, इसलिए वो क्या था, वन वे चेन था आपका. अब हम बात करते हैं उसके एक कोड इम्प्लीमेंटेशन की. मीन्स हम एक एग्जाम्पल देखते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट का प्रोग्राम के थ्रू. सी प्रोग्राम जो हमने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा था, सी प्रोग्रामिंग के थ्रू हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें हमने सबसे पहले हेडर फाइल्स ली हुई है, हैज इंक्लूड stdio.h, और हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल्स भी यहाँ पे ली हुई है. देन हम यहाँ पे नोड को हम स्ट्रक्चर के थ्रू डिफाइन करते हैं. तो हम स्ट्रक्चर नोड, देन इंट डेटा एंड स्ट्रक्चर नोड में नेक्स्ट हम यहाँ पे कर, ठीक है. अब यहाँ पे आप देखिए कि स्ट्रक्ट नोड जो हमारा हेड है वो भी हमने नल लिया हुआ है, और जो हमारा स्ट्रक्ट का जो करेंट नोड है वो भी हमने नल लिया हुआ है. देन यहाँ पे हमने एक हमने क्या बनाया हुआ है, यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है वॉइड प्रिंट लिस्ट. ये जो हमारा प्रिंट लिस्ट है ये हमारा फंक्शन है. इस फंक्शन में आप देखिए कि इंस्ट्रक्शन नोड पॉइंटर जो है वो हेड में जो है पॉइंटर पॉइंट कर रहा है. देन हेड जब तक के यहाँ पे हमारा पॉइंट कर रहा है तो स्ट्रेक फॉर्म भी स्टार्ट फॉर्म भी बिगनिंग, बिगनिंग से आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. वॉइड पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, पॉइंटर जब तक के नल के नॉट इक्वल है यहाँ पे, तो पॉइंटर में क्या होगा आपका डेटा यहाँ पे फिल होगा. देन पॉइंटर क्या जाएगा, नेक्स्ट में जाएगा, देन वहाँ पे नल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है. इंसर्ट लिंक एट द फर्स्ट लोकेशन. अब फर्स्ट लोकेशन में हम लिंक इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे आप देखिए हमने वॉइड इंसर्ट किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है इंट डेटा, देन क्रिएट अ लिंक. हम एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं मेलॉक के थ्रू टाइप ऑफ स्ट्रक्ट नोड. देन आप यहाँ पे देखिए कि लिंक जो है वो की के इक्वल टू हो रहा है, और लिंक जो है वो डेटा के इक्वल टू हो रहा है. देन पॉइंट इंट पॉइंट इट टू द ओल्ड फर्स्ट नोड, जो हमारा फर्स्ट नोड का है उसमें ये पॉइंट हो रहा है. देन पॉइंट फर्स्ट टू द न्यू फर्स्ट नोड. अभी ओल्ड नोड था जो आपका नल था, हमने पहले ही जो डिफाइन इनिशियली डिफाइन किया था नल डिफाइन किया था, तो वो हमारा क्या हुआ, ओल्ड फर्स्ट नोड हुआ. अब हम यदि न्यू फर्स्ट नोड की बात करें तो जो हमारा न्यू फर्स्ट नोड है वो हम हेड इक्वल टू लिंक हो जा रहा है, ठीक है. देन हम इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यूज 10 20 30 140 और 56, हम यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं. देन हम प्रिंट लिस्ट कर रहे हैं और हम रिटर्न, क्योंकि इंट मेन था तो वैल्यू रिटर्न होगी. अब आप यहाँ पे देखिए जो हमारा आउटपुट है प्रोग्राम का, ये प्रोग्राम का जो आउटपुट है आपका हेड है, हेड के बाद आपका ये जो डेटा जो है यहाँ पे डेटा बॉटम टू टॉप ले रहा है. तो पहले आपका 56 है, फिर आपका 40 है, फिर 1 है, फिर 30 है, फिर 20 है, फिर 10 है, देन आपका क्या होगा, नल शो होगा. देन आपका जो लास्ट आपका जो पॉइंटर रहता है वो आपका नल रहता है, तो आपका जो लास्ट वैल्यू है वो आपकी नल रहेगी, ठीक है. तो ये था आपके सिंपली लिंक लिस्ट, यहाँ पे आपका कवर्ड होता है, जो कि हमारा वन वे चेन हम जिसे बोलते हैं, ठीक है. तो ये इसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन था, जिसमें सिर्फ एक वे पे ही हम आप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं डबली लिंक लिस्ट की, ठीक है. अब हम बात करते हैं डबली लिंक लिस्ट की. डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है. ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का लिंक लिस्ट है, इन विच अ नोड कंटेन्स अ पॉइंटर टू द प्रीवियस एज वेल एज नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस. इसमें क्या होता है कि ये प्रीवियस नोड को
कंटेन करता है और नेक्स्ट नोड, मैंने एक जैसे एक नोड है तो वो प्रीवियस नोड को भी कंटेन करता है और नेक्स्ट नोड को भी कंटेन करता है एक सीक्वेंस में, ठीक है। एक सीक्वेंस में प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों नोड को कंटेन करता है डबली लिंक्ड लिस्ट, इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का लिंक लिस्ट है, ठीक है। देयरफॉर इन अ डबली लिंक्ड लिस्ट अ नोड कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट, यहाँ पे जो डबली लिंक्ड लिस्ट है इसका जो नोड रहेगा ये तीन पार्ट में कंसिस्ट करेगा। फर्स्ट होता है नोड डेटा, देन आता है पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इन सीक्वेंस, देन आता है नेक्स्ट पॉइंटर, पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड, ठीक है। नेक्स्ट पहले आपका आता है नोड डेटा, फर्स्ट जो आपके तीन पार्ट जो कंसिस्ट कर रहे हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट, उसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है आपका नोड डेटा, ठीक है। नोड डेटा के बाद जो आपका सेकेंड पार्ट है वो है आपका पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में जो आपका नेक्स्ट नोड है पॉइंटर में, ये है आपका सेकेंड जो है आपका सेकेंड पार्ट है। एंड जो थर्ड पार्ट है पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड, पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड जो है आपका, ये आपका थर्ड पार्ट है। अ सैंपल नोड इन अ डबली लिंक्ड लिस्ट इन शोन इन द फिगर, आप फिगर में डबली लिंक्ड लिस्ट देख सकते हैं, ये आपका एक नोड है, जैसे ये आपका हेड है, हेड के बाद ये आपका एक नोड है जिसमें कि आपका प्रीवियस और नेक्स्ट है, और ये जो आपका जो है डेटा यहाँ पे होल्ड है, ठीक है। ये आपका करेंट डेटा है, प्रीवियस डेटा और नेक्स्ट डेटा, ये जो नोड है ये सबको होल्ड करके रखता है। A doubly linked list containing three nodes having number from 1 to 3 in their data part is shown in below. अब देखिए doubly linked list में क्या होता है, नोड्स के तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। नोड्स के यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं, यहाँ पे तीन नंबर कंटेन किया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो जो doubly linked list है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आपका, मैंने ये जो आपका नोड है ये आपके थर्ड नंबर को भी ले रहा है और फर्स्ट नंबर को भी ले रहा है, ठीक है। ये आपके दोनों नंबर को ले रहा है, तो ये होता है आपका डबल लिंक लिस्ट, क्योंकि आपका डबल वे में आपके डेटा यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल, मैंने एक सिंटेक्स देखते हैं, यहाँ पे जो सिंटेक्स है हम स्ट्रक्चर के थ्रू डबल लिंक लिस्ट को डिफाइन कर रहे हैं। डबल लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर के थ्रू आपका डिजाइन हो रहा है, इसमें आप देखिए स्ट्रक्ट नोड है, इस नोड के बाद यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस, देन इंट डेटा, देन स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट, ठीक है। तो प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों नोड के डेटा को ये आपको ले रहा है। द प्रीवियस पार्ट ऑफ द फर्स्ट नोड एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट नोड विल ऑलवेज कंटेन नल इंडिकेटिंग ईच एंड इन ईच डायरेक्शन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट है और जो लास्ट है वो इस केस में डबली लिंक लिस्ट के केस में फर्स्ट और जो लास्ट वैल्यू है वो हमेशा नल रहेगी, ठीक है। ईच डायरेक्शन में वो हमको नल ही आइडेंटिफाई इंडिकेट करेगा। इन अ सिंगल लिंक लिस्ट वी कुड ट्रैवर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, सिंगल लिंक लिस्ट में हम सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ट्रैवर्स करते हैं, बिकॉज ईच नोड कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, क्योंकि हर जो एक नोड है वो अगले नोड के एड्रेस को कंटेन करता है, एंड इट डज नॉट हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस नोड। प्रीवियस नोड का यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट में प्रीवियस कोड का कोई भी एड्रेस नहीं रहता था, इसलिए वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवर्स करता था। बट यदि हम बात करें डबली लिंक लिस्ट को, तो डबली लिंक लिस्ट ने क्या किया है, सिंगल लिंक लिस्ट का जो ये ओवरकम था, जो ये लिमिटेशन था, इसे इसने ओवरकम कर दिया है। और यहाँ पे जो फैक्ट ये है कि हमारा जो ईच नोड है डबली लिंक लिस्ट में, ये प्रीवियस नोड एज वेल एज नेक्स्ट नोड से भी एड्रेस को ये कंटेन करके रखता है, ठीक है। प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड दोनों के भी एड्रेस को ये कंटेन करके रखता है, और हम इससे जितने भी डिटेल्स है हमारे प्रीवियस नोड के, प्रीवियस एड्रेस के, हर एक एक चीज, हर एक एक डिटेल हम यहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सिंगल लिंक लिस्ट का जो हमारा लिमिटेशन था कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल्स होता था, उसको इसने क्या कर दिया है, ओवरकम कर दिया है डबल लिंक लिस्ट ने। अब हम बात करते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट में मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे वर्क
कैसे मेमोरी रिप्रेजेंट कर रहा है. डबली इंक्लीज कंज्यूम मोर स्पेस फॉर एवरी नोड एंड दे आर फोर कॉजेस मोर एक्सपेंसिव बेसिक ऑपरेशन सच एज डिलीशन एंड इंसर्शन एंड डिलीशन. ठीक है, डबली लिंकलिस्ट में बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम हो रहा है. ये आप भी देख ही रहे हैं कि डबली लिंकलिस्ट क्या कर रहा है, प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों की ही चीजों को होल्ड करके रखा है. इसीलिए डबली लिंकलिस्ट जो है, डबली लिंकलिस्ट जो है आपका ज्यादा एक्सपेंसिव है. यदि हम बात करें स्पेस के तौर पे तो ये बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम करता है, इसीलिए ये ज्यादा एक्सपेंसिव है. और इसमें जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं इंसर्शन और डिलीशन वो भी बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं. ठीक है, हाउएवर दे कैन इजीली मैनिपुलेट द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट सिंस द लिस्ट मेंटेन पॉइंटर इन बोथ डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पे हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं एलिमेंट्स को लिस्ट में, क्योंकि यहाँ से जो लिस्ट मेंटेन्स होते हैं पॉइंटर्स में वो बोथ डायरेक्शन में मेंटेन्स होते हैं. फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या होता है, हमारा यहाँ पे एलिमेंट जो है वो मेंटेन्स होते हैं. ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में हमारी जो लिस्ट रहती है वो मेंटेन होती है. इनमें इमेज भी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट दैट इज 13 स्टोर्ड. देखिए यहाँ पे जो आपका लिंक लिस्ट है, ये आपका एक लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पे आप देखिए एक डेटा है आपका 13. ठीक है, इनमें फॉलोइंग इमेज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज 13 स्टोर्ड एट द एड्रेस 1. फर्स्ट एड्रेस में क्या है, 13 आपका जो नंबर है वो स्टोर हो रहा है. The head pointers points the starting address 1. Head pointers क्या point कर रहा है आपका starting address 1. Since the first element being added to the list, therefore previous of the list contain null. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, first element add हो रहा है तो जो previous रहेगा list में वो null contain करेगा. ठीक है, then the next नोड ऑफ द लिस्ट रिसाइड एट एड्रेस 4. ठीक है, जो नेक्स्ट लिस्ट है हमारा वो जो है हमारा 4 है. तो एयरफोर द फर्स्ट नोड कंटेन्स 4 इन द नेक्स्ट पॉइंटर. जो फर्स्ट हमारा नोड है वो नेक्स्ट का पॉइंटर में आपका 4 कंटेन करेगा. वी कैन ट्रैवर्स द लिस्ट इन अ वे अंटिल वी कैन फाइंड अ नोड कंटेनिंग नल और माइनस 1 इन द नेक्स्ट. ठीक है, हम इसे कब तक के कंटेन करेंगे, कब तक के हम इस लिस्ट में ट्रैवर्स करेंगे, जब तक के हमारा जो नेक्स्ट, ये जो हमारा नेक्स्ट है ना, ये नेक्स्ट वाले नोड में माइनस 1 या नल की वैल्यू ना आ जाए नेक्स्ट वाले नोड में, तब तक के हम यहाँ पे लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे. यहाँ पे प्रीवियस 1 क्यों आया है, क्योंकि 13 से पहले कोई डेटा था ही नहीं. ठीक है, 13 से पहले कोई भी डेटा नहीं था, इसलिए जो हमारा प्रीवियस डेटा है वो यहाँ पे है माइनस 1 है. ठीक है, और हमारा जो डेटा करेंट डेटा है वो 13 है और जो नेक्स्ट डेटा है वो आपका 4 है. ठीक है, देन आप देखिए कि हमने यहाँ पे फिर क्या एंटर हो रहा है, 15 एंटर हो रहा है. 15 के बाद आपका प्रीवियस जो था, प्रीवियस जो डेटा था वो आपका 1 था और जो नेक्स्ट डेटा है वो आपका 6 है. ठीक है, देन आप देखिए कि आपका जो करेंट डेटा है वो 19 है, जो आपका प्रीवियस डेटा है वो 4 है एंड जो आपका नेक्स्ट डेटा है वो 8 है. देन आप फिर देखिए कि आपका जो करेंट डेटा है वो 56 है, जो आपका प्रीवियस डेटा है वो 6 है. अब यदि यहाँ पे आपके पास डेटा खत्म हो जाए, एलिमेंट खत्म हो जाए, तो आप लास्ट फिल्ड में क्या एंटर करेंगे, 1 एंटर करेंगे. ठीक है, मैंने अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं तो वहां पे आपकी क्या आ जाएगी, नल वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो वहां पे नल वैल्यू आ जाएगी तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो एंड हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या था, ये हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन था डब्ल्यू लिंक लिस्ट का. ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ये हमारा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन था. देन ऑपरेशन ऑन डब्ल्यू लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये इसका क्या है, ये इसका सिंटेक्स आप बोल सकते हैं या जो ऑपरेशन है नोड क्रिएशन का,
यहाँ पे हम स्ट्रक्चर यूज करके नोड क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में हमारा प्रीवियस नोड है जिसे कि हम पॉइंटर से आइडेंटिफाई डिफाइन कर रहे हैं, देन हम इन डेटा ले रहे हैं, देन हम जो नेक्स्ट नोड है उसे हम नेक्स्ट से पॉइंट कर रहे हैं, देन हमारा स्ट्रक्चर नोड है जो कि हम हेड में पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एक सिंटेक्स है जिसे कि हम सिंटेक्स है नोड क्रिएशन का। नोड जो हम क्रिएट करते हैं नोड क्रिएशन का, ये हमारा सिंपल सा स्टेप है। ठीक है, ऑल द रिमेनिंग ऑपरेशन रिगार्डिंग डबल लिंक्ड लिस्ट आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टेबल। जितने भी रिमेनिंग हमारे ऑपरेशन है डबल लिंक्ड लिस्ट में, वो हमारे फॉलोइंग जो ये टेबल है इस टेबल में वो आपके डिफाइन हो रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट एट द बिगिनिंग। ठीक है, वही चीज है जो आपका सिंगल लिंक लिस्ट में था। यदि एडिंग अ नोट इनटू अ लिंक लिस्ट एट द बिगिनिंग, बिगनिंग में आपको लिंक लिस्ट में नोट ऐड करना है, तो उस चीज के लिए हम इंसर्शन एट बिगनिंग में हम वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसर्शन एट एंड। एंड में भी हमको डेटा ऐड करना है, एडिंग द नोट, एडिंग द नोट इनटू द लिंक लिस्ट टू द एंड। ठीक है, एंड में लिंक लिस्ट के एंड में यदि हमें कोई नोट को ऐड करना है, तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन लेते हैं, इंसर्शन एट एंड। ठीक है, अब आता है इंसर्शन एट स्पेसिफिक नोड। स्पेसिफिक नोड में यदि हमको इंसर्शन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एडिंग द नोड इनटू द लिंक लिस्ट आफ्टर द स्पेसिफाइड नोड। एक स्पेसिफाइड नोड में हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफाइड नोड में हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, डेटा को माने इंसर्ट करते हैं डेटा को। जैसे मान लीजिए आपके पास पांच नोड है, आपको चौथे नोड में यदि डेटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंसर्शन का यूज करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है डिलीशन एट द बिगनिंग। बिगनिंग में यदि आपको डिलीशन परफॉर्म करना है, ठीक है, यदि आपको जो डिलीशन है वो बिगनिंग में परफॉर्म करना है, तो रिमूविंग द नोट फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द लिस्ट। जैसे आपको मान लीजिए कि नोट के फ्रंट से ही आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिलीशन एट द बिगनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और जो नोट में बिगनिंग ऑफ द लिस्ट में जो भी एलिमेंट है हम उसे रिमूव कर देते हैं। देन आता है आप हमारा डिलीशन एट द एंड। एंड में जो भी हमारा डेटा है हम उसे डिलीट करते हैं, तो वो आता है हमारा डिलीशन एट द एंड, जिसमें कि हम रिमूव करते हैं नोड को एंड ऑफ द लिस्ट से। देन आता है हमारा डिलीशन ऑफ द नोड हैविंग गिवन डेटा। ठीक है, डिलीशन ऑफ द नोड हैविंग गिवन डेटा, रिमूव द नोड विच इज प्रेजेंट जस्ट आफ्टर द नोड कंटेनिंग द गिवन डेटा। वो नोड को डिलीट करते हैं हम जो कि हमारे जो गिवन डेटा है उसके जो जस्ट पहले जो हमारा नोट रहता है उसे हम रिमूव करते हैं, इस ऑपरेशन का यूज करके, डिलीशन ऑफ द नोट हैविंग गिवन डेटा। ठीक है, इस ऑपरेशन का नोट करके जो गिवन डेटा हमारे पास रहता है उसके जस्ट पहले वाला डेटा को हम डिलीट करते हैं। तो ये था, इसके बाद है आपका सर्चिंग। सर्चिंग है हमारा जिसमें कि हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ईच नोड डेटा विद द आइटम टू बी सर्च एंड रिटर्न द लोकेशन ऑफ द आइटम इन द लिस्ट इफ द आइटम इज फाउंड एल्स रिटर्न नल। ये आपका सेम है सिंगल लिंक लिस्ट में जो हम सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। जैसे कि आप एक सर्च कर रहे हैं एक डेटा को, यदि वो डेटा आपको मिल जाता है उस नोड में, तो आप उस डेटा का लोकेशन सेंड करेंगे, और यदि उस डेटा का लोकेशन आपको नहीं मिलता तो फिर आप क्या करेंगे, नल रिटर्न होगा वहां पे। ठीक है, यदि मान लीजिए आप जो डेटा सर्च कर रहे हैं गिवन डेटा यदि आपके नोड में है, तो उसका लोकेशन आपको प्रिंट आउट होगा मिलेगा, उस डेटा का जो भी लोकेशन होगा। और यदि वो डेटा हमारे लिस्ट में नहीं रहेगा, हमारे नोड में हमारे लिंक लिस्ट में वो डेटा नहीं रहेगा, तो फिर हमको नल रिटर्न होगा। ठीक है, देन आता है आपका ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग क्या होता है कि हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके लिए कम से कम एक बार वो पूरे लिस्ट को, एक बार पूरे नोड को, वो पूरे लिस्ट को वो विजिट करेगा। ठीक है, विजिट ईच नोड ऑफ द लिस्ट एट लीस्ट वंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन।
रहेगा ईच नोट को लिस्ट में एक बार कम से कम। हमको यदि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जैसे कि सर्चिंग हो गया, शॉर्टिंग हो गया या डिस्प्ले हो गया, तो उस चीज के लिए कम से कम एक बार जो है वो ट्रैवर्स जरूर करता है। ठीक है, तो ये है आपका सर्चिंग जो हमारे बेसिक ऑपरेशन से इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड ट्रैवर्सिंग। ठीक है, तो ये आपके बेसिक ऑपरेशन